जो बहुत चर्चा का विषय बन गई है, बड़ा मुद्दा बन गया है, पूर्णिया। पप्पू यादव भयंकर चुनौती पेश कर रहे हैं राजद के लिए। राजद के लिए क्या है किशनगंज का समीकरण, क्या लगता है वहाँ पे क्या होने वाला? दूसरे नंबर पर एनडीए बीजेपी, एनडीए रहेगी और पहले नंबर पर अख्तरुल इस्लाम रहेंगे वहाँ पर। अच्छा, ऐसा मेरा अनुमान। किशनगंज में 26 तारीख को चुनाव है, क्या ओवैसी अभी तक आए हैं बिहार? नहीं आए हैं। दूसरी ओर एक और चीज देखिए आप, हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। बिहार में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस को एज है। डेट में बांका में जदयू का एज है, एज है। चूंकि चूंकि वहां पर क्या है कि यादव वोट में बंटवारा करने में गिरधारी यादव सक्षम हो रहे हैं। भागलपुर में दिक्कत है जदयू के लिए वहाँ। अच्छा। जदयू चूंकि अजय मंडल भीतरघात से जूझ रहा है, जो पुराना समीकरण है ना वो टूटा है भागलपुर में। ठीक है, तो अब इसका प्रभाव का आकलन आज करना थोड़ा मुश्किल है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजर है कि दूसरे चरण में क्या होगा। देखिए, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, किशनगंज, ये 5 लोकसभा सीटें हैं जिन पर दूसरे चरण में मतदान होना है। अब किस सीट पर कौन जीत रहा है, बीजेपी कहाँ आगे चल रही है, राजद कहाँ आगे चल रही है, कहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, हम आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे। साथ ही इन तमाम सीटों पर जाति समीकरण क्या है, कौन सी जाति किसके साथ अब खड़ी हो गई है खुलकर, वो भी आपको बताएंगे। प्रदीप सर हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत हम लोग उस सीट से करते हैं जो बहुत चर्चा का विषय बन गई है, बड़ा मुद्दा बन गया है, पूर्णिया। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब एक जुबानी जंग शुरू हो गई है। पप्पू यादव पहले कांग्रेस में आए, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव की फाइट बीजेपी कैंडिडेट से नहीं, राजद कैंडिडेट से है, और राजद के कैंडिडेट भी पप्पू यादव को ही दबाने में देखिए लग रहा है कि लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है पूर्णिया में? वहाँ पर जो जदयू के कैंडिडेट हैं, कहते ना कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा जीत जाता है, क्या लग रहा है कुछ ऐसा ही हो सकता है क्या? देखिए अर्पिता, कि जो द्वितीय चरण है उसमें जो तथाकथित सीमांचल है बिहार का, उसमें जो पूर्णिया प्रमंडल की 3 सीटें, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, और भागलपुर के साथ भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों में द्वितीय चरण में मतदान है। जी सर। आज राहुल गांधी आए थे और चुनाव प्रचार करके गए हैं, 26 तारीख को मतदान होना है। तेजस्वी यादव कल फिर पूर्णिया गए थे, और जब पूर्णिया गए वो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जदयू के कैंडिडेट हैं संतोष कुशवाहा, तो न संतोष कुशवाहा पर कोई हमला हुआ, बिल्कुल, न नीतीश कुमार जो जदयू के सर्वे सर्वा है उन पर कोई हमला हुआ, न एनडीए के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा। पूरा का पूरा हमला जो है एक व्यक्ति विशेष पप्पू यादव पर था, तेजस्वी यादव का। तो इसी से ये साबित हो जाता है कि पप्पू यादव भयंकर चुनौती पेश कर रहे हैं राजद के लिए, राजद के लिए भयंकर चुनौती है। ठीक है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो माइस जो समीकरण है, जो आधार वोट है आरजेडी का, वो अभी पप्पू यादव हो चाहे कोई भी हो, इतनी आसानी से आरजेडी को छोड़ देगा, चाहे वो पप्पू यादव ही क्यों ना हो, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फाइट जो है वो काफी रोचक है वहां पर, नंबर 1। नंबर 2, आप संतोष कुशवाहा को भी एनडीए के प्रत्याशी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। आपने देखा है पिछले चुनाव में जब डायरेक्ट फाइट था तब भी संतोष कुशवाहा जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। उतना ही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव को भी याद कर लीजिए, जब जदयू अपने बलबूते पर अकेले लड़ी थी, उसमें भी संतोष कुशवाहा नालंदा के अलावे एकमात्र प्रत्याशी थे जो कि जदयू के लिए वो सीट जीत कर लाए थे। तो इसीलिए संतोष कुशवाहा को भी अंडर एस्टिमेट करना राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मतलब चर्चा का विषय भले ना इस वक्त संतोष कुशवाहा हो, लेकिन उनका वोट बैंक बड़ा मजबूत है पूर्णिया के अंदर। ये सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुआ है ना कि देखिए वहां पर एक जो सबसे बड़ा विषय है पूर्णिया में कि पप्पू यादव ने लालू यादव को एक्सपोज किया एक बार फिर से। जैसे 2014 के चुनाव में आपको याद होगा रामकृपाल यादव, हाँ,
जो उस समय में लालू प्रसाद के हनुमान हुआ करते थे, राजद के प्रधान महासचिव थे, तो उनको टिकट न देकर लालू प्रसाद ने मीसा भारती को लड़ाया। संदेश साफ था कि राजद में किसी भी यादव नेता को या राजद के गठबंधन में एक सीमा के बाद आगे बढ़ाने की कोई लालू प्रसाद कभी भी अनुमति किसी को नहीं देंगे। और जो पप्पू यादव तो निश्चित रूप से 2014 में जब आरजेडी के टिकट पर जीत कर गए, उसके बाद ही लालू प्रसाद को और लालू परिवार को चुनौती देना शुरू कर दिए थे, तो लालू यादव कैसे बर्दाश्त कर पाते। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और लालू परिवार से विद्रोह करने के बाद राजद से पप्पू यादव ने एक अपनी अलग छवि गढ़ने का प्रयास किया जी। और अलग छवि क्या था? अलग छवि था कि आपदा के समय आम जनता की मदद करना, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो है, जो परोपकारी सांसद के रूप में भी छवि बनाया कि दिल्ली में जो कोई भी सीमांचल के लोग जाते थे उनका मुफ्त में इलाज करवाना, रहना खाना फ्री करना, एम्स में पैरवी करना। तो ये सब चीज़ें जो पप्पू यादव की पुरानी जो रॉबिनहुड और दबंग और गैंगस्टर की जो एक छवि थी, उस छवि को तोड़ने का काम किया है। हाँ। और उसका लाभ जो है इस बार पप्पू यादव को इस चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। और इस मायने में भी कि आप देखिए कि वहाँ के जो अधिसंख्यक यादव और मुसलमान हैं पूर्णिया के, साथ ही कुछ सवर्ण जाति के लोग भी और विभिन्न जातियों के दलित वर्ग से भी लोग हैं, वो लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। खड़े अगर पप्पू यादव को हम कैटेगरी में बांटना चाहे, मतलब पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, तो पूर्णिया से पहले नंबर पर अभी कौन चल रहा है, दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है? बीजेपी, राजद, पप्पू यादव, ये सब कहाँ किस नंबर पर है? देखिए विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों ने तो पप्पू यादव को जीता हुआ बता दिया है, पहला नंबर दे दिया है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप किसको जितवा रहे हैं? मैं मेरे अनुसार वहाँ कुछ भी हो सकता है, काफी ट्रायंगुलर फाइट है, ठीक है। और अगर ये फाइट जो बीमा भारती और पप्पू यादव के साथ जो बरकरार रहा, जो अभी वर्तमान स्थिति है वही स्थिति रही, अगर मोदी फैक्टर और लालू फैक्टर नहीं आया, जो बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में देखेंगे तो सामान्य रूप से सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी और लालू का फैक्टर, अगर ये फैक्टर हावी नहीं हुआ वहाँ के चुनाव पर, स्थानीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव हुआ, तो पप्पू यादव जीत जाएंगे। अच्छा। और अगर लालू फैक्टर और मोदी फैक्टर आ गया बीच में, तो फिर एनडीए जीत जाएगी वो सीट। राजद तो तब भी कहीं नहीं दिखेगी पूर्णिया में। हाँ, तब आरजेडी दूसरे पर आएगी या तीसरे पर आएगी, इसकी चिंता करें। चलिए, पूर्णिया का हाल हमने जान लिया है। पूर्णिया में बहुत दिलचस्प हो गया है मामला और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस आपस में वहाँ भिड़ गई है पूर्णिया के अंदर। वहाँ इन्होंने मुद्दा कोई और नहीं बल्कि आपस में ही मुद्दा बना लिया है। खैर, अगर हम किशनगंज की बात करें, किशनगंज में ओवैसी की एंट्री, उनके कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है। तो पिछली बार भी 2019 में किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के हिस्से में थी, अब ओवैसी उस सीट पर आ गए हैं, तो क्या ओवैसी कांग्रेस से वो सीट भी छीनने वाले? क्या है किशनगंज का समीकरण, क्या लगता है वहाँ पर क्या होने वाला है? किशनगंज में भी एक रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हाँ। ठीक है, रोचक मुकाबला इस सेंस में देखने को मिलेगा कि आपको याद होगा कि चुनाव की घोषणा के जस्ट बाद लगातार ये नोटिफिकेशन होने से पहले तक ओवैसी और ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इस्लाम, इनका बयान लगातार आता था कि हम 9 सीट लड़ेंगे, 11 सीट लड़ेंगे, 21 सीट लड़ेंगे, 16 सीट लड़ेंगे, ठीक है, हम दरभंगा में भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, सीमांचल में सभी सीटों पर लड़ेंगे, यहाँ तक कि वो नवादा औरंगाबाद भी लड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को एक सीट पे ही सीमित कर लिया है, किशनगंज पे। और सूचना ऐसी है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो धर्म गुरु हैं, जो मुल्ला मौलवी वगैरह जो होते हैं, उनके यहाँ जो डिसाइड करते हैं सामूहिक रूप से वोट किधर जाना चाहिए, उन लोगों ने ये तय किया और दबाव डाला है असदुद्दीन ओवैसी पर कि नहीं, आप केवल और केवल किशनगंज लड़िए, जहाँ पर कि इन लोगों ने ओवैसी की पार्टी को जिताने की गारंटी दी है। अच्छा। आपको पता है कि किशनगंज बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ पर कि 65-67% तक मुस्लिम आबादी है, ठीक है। तो वहाँ पर इस बार जो स्थिति है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद जावेद, मेरा अनुमान है कि वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर एनडीए बीजेपी एनडीए रहेगी और पहले नंबर पर अख्तरुल इस्लाम रहेंगे वहाँ पर।
अच्छा, ऐसा मेरा अनुमान है और जो मेरे पास जो सूचना है अभी तक वर्तमान जो वहाँ पर जो बातें चल रही है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस बार ओवैसी की पार्टी लोकसभा चुनाव में भी खाता खोलेगी। मतलब किशनगंज में भी वही मामला हो गया है कि जो पहले से कांग्रेस के पास है वो ओवैसी लेने जा रहे हैं सीट, ऐसा लग रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वहाँ भी ये जो मोदी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं या यूं कहें कि बीजेपी के विपक्ष के जो लोग खड़े वही आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ ना होकर विपक्ष के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ऐसा माहौल किशनगंज में। वहाँ तो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है, वहाँ जदयू का प्रत्याशी है, नंबर एक। नंबर टू क्या है कि वहाँ पर चूंकि मुस्लिम आबादी 67-68% है लगभग, ठीक है, तो वो लोग जिधर जाएंगे उधर ही होगा, वोट बटेगा नहीं। वो जमाना गया जब मुसलमानों का, आप देख रही हैं 2-3 चुनावों से मुस्लिम जिस किसी भी पक्ष में के लिए वोट करता है थोक वोट कर रहा है। ओवैसी का विपक्ष को समर्थन ना करना, विपक्ष के साथ ना जाना, मेरा सवाल सर ये है कि ओवैसी का विपक्ष के साथ ना जाना, समर्थन ना करना, ये नहीं बताता कि इंडिया गठबंधन में अभी भी बिखराव है, बंटवारा है, और इसीलिए किशनगंज जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है वो भी कांग्रेस नहीं ले पा रही है, ओवैसी को साथ नहीं ले पाए, और इसीलिए वहाँ पे फाइट, मतलब जहाँ पे प्रचार बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए था, मोदी के खिलाफ होना चाहिए था, जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ होना चाहिए था, वो माहौल बन ही नहीं पा रहा है, ये लोग आपस में ही सिर्फ टावल कर रहे हैं। आप गौर से नहीं देख रही हैं इस बार के चुनाव अभियान को, क्या असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? अच्छा, नहीं आ रहा है। आप कह रहे कि वो ओवैसी का दौरा बिहार में हो रहा है? नहीं हो रहा है। किशनगंज में 26 तारीख को चुनाव है, क्या ओवैसी अभी तक आए हैं बिहार? नहीं आए हैं। दूसरी ओर एक और चीज देखिए आप, हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। आप कह रहे कि समर्थन मिल रहा है, ओवैसी का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब इंडिया अलायंस? मैं तो बता रहा हूँ किशनगंज में कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा। वहाँ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये संदेशा स्पष्ट दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करा दिया है कि कांग्रेस वहाँ पर हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया है। नंबर वन, ओवैसी ने घोषणा किया था बिहार में 11 सीट लड़ने की बात की थी, इस बार मात्र किशनगंज लड़ रहे हैं। अच्छा। और किशनगंज में जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन लोगों ने ये बातें तय कर दी, चूँकि आप ट्रेंड देख लिए 3-4 चुनावों से, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, एक ट्रेंड हो गया कि लगभग 90% मुसलमान थोक में किसी एक दल के लिए ही वोट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो वही खेल किशनगंज में होने वाला है, और अगर ये परिस्थिति बनी हुई रही तो किशनगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी जो सिटिंग सांसद हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी और ओवैसी वहां से चुनाव जीतेंगे। बड़ा खुलासा आपने कर दिया कि साइलेंट रूप से ऐसा लग रहा है कि किशनगंज में, या यूं कहें कि जो माहौल देश के लोकसभा चुनाव में है, ओवैसी अंदर खाने से कांग्रेस को समर्थन दे ही रहे हैं, और यही कारण है कि देखिए हैदराबाद का आपने जो अभी जिक्र कर दिया और किशनगंज का जो अभी आपने तस्वीर पेश किया उससे यही लग रहा है कि किशनगंज में भी ऊपरी तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, और वहाँ पे ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं, AIMIM के जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की तरफ, अब हम बात करने वाले हैं कटिहार के बारे में। देखिए कटिहार के बारे में ऐसी कोई बड़ी चर्चा नहीं है लेकिन कटिहार के अंदर की जो पब्लिक है वो ज़रूर जानना चाहेगी कि कटिहार में इस बार कौन जीत रहा है, कटिहार का सांसद कौन बन रहा है, बीजेपी या राजद या जदयू, जो भी वहाँ पर माहौल है कौन उसको सही भांप पा रहा है, किसने वहाँ पर सही तरीके से जो है चुनावी अभियान चालू कर रखा है, क्या कहेंगे आप कटिहार के बारे में? कटिहार में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस को एज है। कांग्रेस के तारिक अनवर आपको पता होगा 2014 में भी चुनाव जीते थे, 5 बार के सांसद रहे हैं। 2014 में भी जब मोदी लहर थी 2014 में उस समय भी कटिहार से तारिक अनवर चुनाव जीते थे। दुलाल चंद गोस्वामी अभी पिछले बार 19 में वो सीट जदयू को मिला और जदयू वो सीट जीती। इस बार दुलाल चंद गोस्वामी के साथ संकट ये है कि उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ बितरघात हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ उस रूप में नहीं है जिस रूप में उन्हें होना चाहिए। अच्छा,
ठीक है, तो ये संकट है वहाँ पर एनडीए की प्रत्याशी के साथ, जो दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के प्रत्याशी हैं उनके साथ ये समस्या है कि उनके पार्टी के दल के अंदर भी जदयू में भी भीतरघात हो रहा है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर मन से उनके साथ नहीं है, जदयू के साथ नहीं है, नहीं है। अच्छा, और अगर हाँ अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो निश्चित रूप से तारिक अनवर की जीत वहाँ पर सुनिश्चित है। मतलब ये भी एक बहुत अहम बात निकल कर सामने आई है कि कटिहार में जो जदयू के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के वहाँ जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उस जोश के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं जो दिखना चाहिए था, और यही वजह है कि यहाँ पर मुश्किल लग रही है जदयू के लिए। आगे बढ़ते भागलपुर की बात कर लेते हैं। भागलपुर और बांका दोनों का क्या हाल है सर? थोड़ा जातिगत समीकरण भी दोनों का बताते चलिए, क्या हाल है यहाँ पर? नहीं देखिए, बांका में अगर बात करेंगी तो बांका में दो प्रमुख जातियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है, यादव और राजपूत की, राजपूतों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इस बार जो दोनों मुख्य दल हैं उनसे यादव जाति से ही प्रत्याशी हैं। जयप्रकाश नारायण यादव जो आरजेडी से, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, वो आरजेडी से प्रत्याशी हैं। जयप्रकाश नारायण यादव 74 छात्र आंदोलन के नेता रहे हैं, और गिरधारी यादव जो जदयू के सिटिंग सांसद हैं वो वहाँ से हैं, जदयू से प्रत्याशी हैं। लड़ाई रोचक है, डायरेक्ट फाइट है, ठीक है, और वहाँ पर चूँकि पुतुल सिंह का फैक्टर है एक, पुतुल सिंह चूँकि वहाँ राजपूतों की सबसे बड़ी नेता है, और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, सृष्टि सिंह जिन जो जमुई की विधायिका हैं, उनके पिता की माँ है पुतुल देवी, ठीक है, अगर उनका साथ मिला तो बांका निश्चित रूप से जदयू जीतने की स्थिति में है। आज के डेट में बांका में जदयू का एज है, चूंकि वहां पर क्या है कि यादव वोट में बंटवारा करने में गिरधारी यादव सक्षम हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद वहां पर अति पिछड़ों और बनिया जाति की, राजपूत के अलावे, राजपूत एनडीए के साथ दिख रहा है अभी, यादव जाति में बंटवारा होगा, मुस्लिम बहुत अधिक आबादी नहीं है, लगभग 10% के आसपास है वहाँ पर बांका में, जो अति पिछड़ी जाति है, वैश्य वर्ग है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अच्छा। और ये लोग सब एनडीए के वोटर्स माने जाते हैं, ब्राह्मणों की भी संख्या है ठीक ठाक है, तो इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जदयू का एज है वहाँ। अच्छा, भागलपुर का जिक्र करेंगे क्या है? हाँ, भागलपुर में दिक्कत है जदयू के लिए वहाँ। अच्छा। जदयू चूँकि अजय मंडल भीतरघात से जूझ रहे हैं, आपको पता है गोपाल मंडल जो जदयू के बरबोले विधायक हैं, वो खुलेआम जो है टिकट लेकर पॉकेट में घूम रहे थे, जब उनसे बाद में पूछा गया कि टिकट कहाँ हुआ आपका, अजय फिर से जो है अजय मंडल की घोषणा हो गई जदयू की तरफ से, तो कहे कि मेरी पॉकेटमारी हो गई टिकट। अच्छा। मतलब पॉकेटमारी मतलब अजय मंडल ने टिकट पॉकेट मार लिया, ठीक है। और इस पिछले दिनों, जो दो दिन पहले जब वहाँ पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा गए, वहाँ पर एक बैठक थी पार्टी कार्यकर्ताओं की, वहाँ चुनाव संचालन समिति की, तो उसमें गोपाल मंडल ने खुलेआम विरोध किया एक तरह से, तो पार्टी के अंदर भीतरघात है नंबर एक। वैसे उसको कंपनसेट करने के लिए नीतीश कुमार ने जो आरजेडी के पूर्व सांसद थे बूलो मंडल, उनको पार्टी में शामिल कराया है नंबर वन, तो इसलिए थोड़ा सा उसको मैंने नुकसान की भरपाई करने का प्रयास जदयू कर रही है। लेकिन एक एक और अलग समीकरण भी उभर कर आ रहा है वहाँ पर कि जो एनडीए के जो पारंपरिक सवर्ण मतदाता हैं, इस बार चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा जो पूर्व में विधायक दल के नेता भी थे कांग्रेस के, तो वो वहाँ से कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं, और वो आर्थिक रूप से भी सक्षम है, ठीक है, उनकी पुत्री जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं, तो चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। भागलपुर में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सर। लेकिन एक और फायदा मिला है जदयू को, क्योंकि पहले क्या होता था, गंगौता वहाँ की एक भागलपुर की जो है, भागलपुर में देखिए, भागलपुर में तीन जातियों का वोट सबसे अधिक है वहाँ पर, यादव, गंगौता, ठीक है, और ब्राह्मण, साथ ही कुर्मी। अच्छा। कुर्मी जाति की भी संख्या बहुत अधिक है वहाँ पर, ठीक है, तो बूलो मंडल के आने से, और चूंकि राजद का प्रत्याशी नहीं है वहाँ पर कोई गंगौता, पहले क्या हो रहा था तीन चुनावों से अगर आप देखेंगी तो जदयू और आरजेडी दोनों के प्रत्याशी एक ही जाति से हुआ करते थे पिछले दो चुनाव में, ठीक है, तो इस कारण से गंगौता जाति का वोट बंटता था,
ठीक है। फिर राजद को यादव मुसलमान का वोट मिलता था और गंगौता के साथ साथ जो है कुर्मी सवर्ण का वोट जाता था एनडीए के साथ, ठीक है। तो एक बार जदयू जीती, एक बार आरजेडी जीती, 14 में बुलो मंडल जीते, 19 में अजय मंडल जीते जदयू के। तो लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा जो पुराना समीकरण है ना वो टूटा है भागलपुर में, ठीक है। तो अब इसका प्रभाव का आकलन आज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन लेकिन, लेकिन फाइट अच्छा है, थोड़ा सा जो पारंपरिक समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है वहाँ पर भागलपुर में, और इसका असर ये ज़रूर होगा कि वहाँ पर हो सकता है कुछ अलग हो जाए भागलपुर लोकसभा में। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण में जो ये 5 लोकसभा सीटें हैं बिहार की, सबकी नज़र है। हॉट सीट अगर बात करें इन पांचों में, तो एक नंबर 1 पर पूर्णिया बनी हुई है, दूसरे नंबर पर हम किशनगंज को ले सकते हैं, और तीसरे नंबर पर हम भागलपुर को ले सकते हैं। हॉट सीट है तो हॉट सीट सभी सबकी सबकी औकात तो बराबर है। हाँ, लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ थोड़ा सा चर्चाओं में खबरें जो रहती है, मीडिया के लिए पप्पू यादव हॉट केक है, पप्पू यादव अभी बिक रहे हैं मीडिया में, पप्पू यादव। तो कुल मिलाकर इन तमाम सीटों का जो हाल हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और आप भी आपका जो आकलन है वो भी आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पांचों सीटों पर आपके हिसाब से कौन जीत रहा है। ज़रूर हमारे साथ बने रहिए पीओ भारत पर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत।